अपना दिल तो आवारा। वहाँ देखो पूरे पहाड़ पे एक लोनली हाउस। कुछ भरोसा नहीं है ऐसे इलाकों में, कब कब धूप कब बारिश भी हो सकता है। जिस चीज का डर था भाई वही हुआ। जो मेन सिटी जो थी देहरादून की, मेन सिटी से हम लोग बस पकड़ के फिर इधर आ गए हैं और यहाँ से अभी हम लोग पहली सहसत धारा जा रहे हैं। भाई साहब ये सीन है, ये हमारी एंट्री हुई। क्या इस जगह का नाम क्या है? अरे रुक जा भाई, इतनी तेज चला रहा है। ये सहस्त धारा, पीछे का सीन देखो। ये वो देख रहे हो पहाड़ों में से जो ये धुएं के बादल निकल रहे हैं, इसको मिस्ट कहते हैं और ऐसे माउंटेन्स को मिस्टी माउंटेन्स कहते हैं। ये भाई साहब वाटरफॉल मिला हमें। पानी कितना साफ है यार, ये यहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा है। ये लैंडस्लाइड हुआ है मेरे ख्याल से, काफी तेज बहाव होगा भाई इसका पानी का। हाँ भाई, तो अपडेट ये है कि रूम वगैरह ले लिया हमने और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। ये इसकी छत है जहाँ पे हमने रूम लिया है, उसका छत है ये। और व्यू वगैरह तो अच्छे हैं यहाँ पे। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा सा सीन है यहाँ का व्यू। ये है यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। सहस्त्र धारा यही है ना? ओ सहस्त्र धारा यही है। अच्छा, ये पानी जो है ना ये वहाँ सहस्त्र धारा से ही बह के आती है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे भी लोग नहाते हैं, उधर सहस्त्र धारा पे भी लोग नहाते हैं। इस वाले पत्थर पे जाऊँगा, बीचों बीच है एकदम, और यहाँ से व्यू अच्छे आते हैं। ये मैं बैठा हुआ हूँ भाई, इसके एकदम बीचों बीच बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ इस रॉक पर। और पानी का बहाव बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है इस पानी का बहाव आज। मतलब नॉर्मली इतना नहीं रहता, नॉर्मली तो इतना नहीं रहता, आज थोड़ा ज़्यादा है आज थोड़ा, क्योंकि बारिश हुई है उधर। भाई रूम तो ले लिया यहाँ पे और उसके बाद सोचे थे कि थोड़ा सोएंगे, लेकिन सोने की कोशिश की तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा हमने थोड़ा सा घूम लेते हैं, फिर अब रात में ही सोएंगे। यहाँ भाई बंदर बहुत हैं यार, मतलब जब से मैं आया हूँ काफ़ी सारे बंदर देख लिए मैंने। ये हमारा मेन रोड जहाँ पर जाके हमारा होटल है, यहाँ से एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। साइड डोलो भाई, यहाँ लोग बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं भाई साहब, फोन ठोक के चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये है भाई हमारा रूम, वो कॉल ही नहीं उठा रहा। अच्छा खासा है, तू ऊपर चला, तू यहाँ पे कंबल उंबल दिया हुआ है और हम थोड़ा सा आराम फरमा कर रहे हैं। रोपवे का भी कनेक्शन है यहाँ पे। बारिश होने लगी भाई और वो ऊपर का धुंध देख रहे हो, आसमान कैसा एकदम अलग ही दिख रहा है। ये मिस्ट और बढ़ेगा अभी, तगड़ी बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। खाना खाने के लिए फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये सामने सीट है, ये लोग मेनू में से डिसाइड कर रहे हैं। दिन का खाना हमारा पहले दिन का, आज दो मंगाना पड़ेगा ना। अभी जिस चीज़ का डर था भाई वही हुआ, जब से हम आए हैं तब से बारिश हो रही है और अभी तक हो रही है। अभी तक बारिश हो रही है, पानी एकदम तेज़ बह रहा है,
मेरे को नहीं लगता ये रुकेगी रात तक। उधर मसूरी साइड में बहुत तेज़ बारिश हुई है, सारा पानी ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ उधर मसूरी साइड से ही आया। ये भाई ऊपर जा रहे हैं हम काई भरे रास्तों से, बहुत ही एकदम पैर बिठा बिठा के जाना होगा, नीचे बहुत ज़्यादा स्टीप है। राजपूत गेस्ट हाउस है यहाँ पे, चलो भाई ऊपर चल रहे हैं। भाई हालत ख़राब हो गई ऊपर चढ़ने में तो यार, बहुत हार्ड है भाई। ये हुई ना बात, ये है ऊपर वो बना रखा है, ये मेरे ख्याल से हेज फार्मिंग जिसे कहते हैं ना, वहाँ टी प्लांटेशन में भी ऐसे ही रहता है। ये इनका फोटो शूट चल रहा है। ये भाई सहस्त्रधारा का टॉप व्यू है, ये काबिले तारीफ। ये भाई साहब रोपवे का सीन यहाँ पे, एक जा रही है एक आ रही है। भाई हम चार जने हैं, हमें एक में बैठा दे। हम तीनों कनेक्टेड रहते हैं क्या? तीन तीन का तीन तीन का आते हैं। भाई क्या सीन है यार, देहरादून का करना है पूरा, कल सुबह 12 बजे तक देहरादून का निकलना है भाई, सुबह का देखना है सभी सीन, 6 बजे का गाड़ी जा रही है साइड। पहाड़ पे चढ़ने का एक फायदा पता है क्या, उतरने वक्त मजा आ जाता है, चढ़ने में फटती है लेकिन उतरने में मजा आता है। अभी हम एकदम मस्त उतर रहे हैं बिना किसी एनर्जी के, बॉडी अपने आप चलती जा रही है, पैर अपने गाने आप लगा दो, तू ही लगा दे, तेरे फोन में आवाज अच्छा नेट भी है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, भाई छोड़ रिकॉर्ड नहीं करते, गाना चुन के चलेंगे। तो अब वहाँ से उतर उधर उस वाले रास्ते पे जो मंदिर के पास से था, उस पे काई बिछी हुई थी नीचे, तो जाना वहाँ से सेफ नहीं था, इस वजह से हम लोग यहाँ ढलान वाला रास्ता ये पकड़ के सीधे सीधे फिर जा रहे हैं फिर अपने होटल। ठीक है, ये भाई जो मंदिर है इसको मतलब गुफा के अंदर बना रखा है इन लोगों ने, आगे प्राचीन गुफा प्राचीन द्वार गुफा शिव मंदिर है यार, मतलब ये बाहर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है फिर अंदर जाके वो है पूरी मंदिर। ये था भाई हमारा होटल जहाँ पे हम रुके थे देहरादून में, यहाँ के रूम्स है और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम सही है यहाँ से। बाकी अब हम जा रहे हैं वहाँ पे मसूरी की तरफ, यहाँ से बस लेंगे बस से फिर वो मसूरी पहुँचेंगे और वहाँ पे देखते हैं, पहले सबसे पहले तो होटल का देखेंगे। चलो फिर चलते हैं, यहाँ से जा रहे हैं भाई हम, सबसे पहले बस पकड़ेंगे। कितनी दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर, यहाँ से 15 किलोमीटर बोलो तो। मसूरी ना? नो, यहाँ से अभी अपन जाएंगे तुम्हारा शीश धारे की बस से जिससे हम आए थे। अच्छा, जहाँ वो पहली जो बस पकड़ी थी देहरादून से मसूरी के लिए बस मिलेगी, देहरादून से मसूरी के लिए बस 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर का अभी पहले है यहाँ से वहाँ तक। ये पीछे की पहाड़ियाँ दिख रही हैं मेरे पीछे, ये वही थी इधर जहाँ हम रुके थे रात को। ये व्यू है भाई साहब मेरे पीछे, आ रहा है बढ़िया। बेहतरीन, यहाँ से बसें जाती हैं पहले, वहाँ पे जाके उतरना पड़ेगा हमें, फिर टेम्पू लेना पड़ेगा, फिर वो मेन स्टॉप तक जाना पड़ेगा जहाँ से स्टेशन है।
और वहाँ से फिर मिलेगी हमें मसूरी की बसें। ये तो सहस्त्रधारा की वहाँ तक जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक बताया था इसने, देहरादून तक, मतलब वो जो बस स्टॉप था वहाँ पे। ऐसा सीन हो रखा है। धूप वैसे आज काफ़ी तेज़ हो रखी है, मेरे को नहीं लगता कि आज बारिश होगी, लेकिन ऐसे इलाकों का मतलब कुछ वो नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है ऐसे इलाकों का, कब कब धूप कब बारिश कुछ भी हो सकता है भाई। चलो भैया बस निकल ली हमारी तो सहस्त्रधारा में।